अंगना में बाबा द्वारे पे आ। ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? ये चीटी के बिल से कैसी आवाज आ रही है? लाल चीटा घर लेकर ही जाएंगे। हमारी भौजी को बहुत पसंद है लाल चीटे की चटनी और भात। अरे क्या बात है, इतना सारा चीटा। देखो आज तो बस्ता भरकर लेके जाएंगे चीटा घर पे। हमारी भौजाई भात के साथ चीटे की चटनी खाएंगे। ये क्या है? अबे कौन जानवर है का? भाग सेतु। क्या पहेली है? बिल चीटी का है पर ही निकल रही है। आंखें है कि पटन, इंसानी हूँ मैं, पासी के गांव माहौली से हूँ। पास के गांव से हो तो यहाँ क्या कर रही हो? बापू वैद है मेरे, यहाँ पे जड़ी बूटी ढूंढने आई थी पर चीटियों ने ना काट खाया मुझे। अरे इतनी सुंदर हो तो चीटियां भी तुमको प्यार कर रही होंगी। चुप कर। और है कौन भला तू? यहाँ क्या कर रहे थे? सेतु नाम है हमारा। हमारी भौजी हैं, उनको चीटी की चटनी बहुत पसंद है, वही लेने आए थे। और पता है हमको भतीजा देने वाली हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। अब यहाँ अकेली क्या करोगी? चलो चलते चलते बात करते। चलो चलो। पी लो दूध, पी लो। नहीं। मन मार के चुपचाप दूध पी लो। खाओगी पियोगी नहीं तो बच्चा तगड़ा कैसे पैदा होगा? नहीं, मैं खाऊंगी तो चीटी का चटनी बात ही खाऊंगी। और वैसे बिना आजकल मुझे कुछ खाने का मन भी नहीं करता। आप ये दूध रख दीजिए और आप जाइए मजूरी पर। अच्छा ठीक है, से तो आता ही होगा चीटा लेकर, फिर तुम जी भर के चटनी भात खाना। अच्छा अभी सो जाओ, चलो। हाँ। लेटो आराम से, आराम से। हाँ अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ। हाँ?
तो पहुंच गए। ये है हमारे गरीब की कुटिया। अगर आदमी भले लगे हो और कभी हाल चाल पूछना हो तो आ जाना, पास ही में है। जी। जी, क्या हो गया? काहे चिल्ला रही? वो टिड्डा, टिड्डा फिर से आया था। टिड्डी को मैंने गया दो ही पल में। दिखता तो यही का यही काट देते। ठीक तो है ना? वो टिंडे का संदान फिर से आया था। टिंडा, आज तो उसे जान से ही मार देंगे। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? बहुत ढूंढे उसे, वो भाग गया है। आज हाथ में आता ना जान ले लेते उसकी। जब जनानी के पेट में बच्चा होता है तो तरह तरह के भूत प्रेत पिशाच चक्कर मारते, तो क्या तू सबको मारेगा? हाँ, अपना वंश बढ़ाना है कि इन सबको मारकर उन सबसे दुश्मनी मोल लेना है? हाँ, तेरी बातें सुना ने सच है। ऐसा दानव में देखा ना सुना किसी ने। आखिर ये हमसे चाहता क्या है? राम जाने बेटा, लेकिन आज ही तावीज बनाकर मैं अपनी बहू को बांधूंगी। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, ना इसे ना इसके बच्चे को। तुम लोग जाओ, मैं इसके साथ रहती। हाँ भैया, आइए माया ना, आइए। बहू सोचो, आराम से, कुछ नहीं होगा। हाँ, आराम से। भैया काहे फिक्र कर रहे हैं इतनी, सब सही होगा, देखिएगा। जोर लगा, और जोर लगा बहू, और जोर लगा। जोर लगा बेटा। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। भैया मुबारक हो, मुबारक हो। बधाई हो, पोता हुआ है पोता। अरे आइए ना भैया, पोता हुआ है पोता। अरे पोता हुआ है मतलब बेटा हुआ है बेटा, मुबारक हो। अरे दाई माँ मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। नहीं नहीं, मुझे 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 तो पूछो। अरे आराम से, आराम से। कितना सुंदर है, तू चाचा बन गया है। ओ, मैं चाचा बन गया।
क्यों जिद पे अड़ा है? हाँ, अब और नहीं, बहुत सह लिया। ब्याह के बाद तुम्हारा सच पता चला कि तुम टिड्डा हो, इसीलिए दोनों बच्चों को मुझे अकेले पालना पड़ा, वो भी सह लिया। अब तुम कह रहे हो कि उसके बच्चे को तुम्हें लाकर दे दो खाने के लिए? कभी नहीं, समझे? अरे वो तुम्हारा पोता है, इस खानदान का वारिस, हर किस नहीं लाकर दूंगी, समझे? तू कर रही है, लेकर आ उसे, मैं खाऊंगा उसे, क्योंकि भले ही वो मेरे वंश की कोख से पैदा हुआ है, पर उसकी गंध चीटियों जैसी है। ऐसी गंध तो किसी को नहीं आ रही है। वो अगर टिड्डा है तो तेरा, पर अगर वो चीटी है तो सोच, तेरी कोख से जन्मे मेरे दोनों जवान बेटों को खाएगा। तू जिसके मोह मंत्र में पड़ी है, वही तेरा वंश मिटाएगा। अगर तेरी ये बात सच है तो मैं खुद उसे भोजन बनाकर तुझे खिलाऊंगी। जा, लेकर आ, बहुत दिनों से कोई चीटी नहीं खाई है मैंने। अम्मा, मुझे जाना चाहिए। अम्मा, हाँ बेटा, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही थी? कुछ सामान लेने आई थी। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अम्मा, लड्डू बनाओ लड्डू, कल पूरे गांव में बांटूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बना दूंगी, तू जा, अब तू जा, जा। भैया, तुम्हारा ही वंशज है, ये हमारा पोता है। अच्छे की किलकारी, अरे भौजी मांगे सारी, सासे जी मनवारी, ओ सजन मुस्काए, देवर इतराए, सासु
मेरा पोता दादा की तरह दिख रहा है ना? अरे इसके दादा को खबर दी कि नहीं? हाँ हाँ दिए ना, तभी तो दौड़ते दौड़ते आ रहे अपने पोते को देखने। अरे बटेश्वर बहू, अरे चार दिन हुए नहीं गोना को, तू समाज के नौकर व्यवहार करने चली आई? अरे इसी वक्त तो मर्द के साथ फुसुड़ फुसुड़ करने का है। कभी तो साल भर में तुम्हारे घर बधाई गाने आएंगे। अरे सुलभतिया नई दुल्हनिया है, सुलझ जा रही है। बधी दुल्हनकारी सजन दुल्हनकारी हो। हेलो, नई नई दुल्हनों को किसी और का बच्चा देखने का बड़ा मन करता है। भगवान करे तेरी भी गोद जल्दी से भरेगे राम। देख मेरा पोता कितना सुंदर है ना? ये अंदर कमरे से आवाज कैसे आ रहा है? अरे कोई नहीं, वो चूहा बिल्ली होंगे अंदर। मैं देख। अरे नहीं नहीं रहने दे, अच्छा तू गाने का आनंद ले। अरे बहनों गाओ गाओ, अरे भाभी गाओ। जा चाची, इससे तो बटेश्वर बहू पर गंगा जल छिड़क गया। अरे जा जाके उसके कपड़े बदल दे। नहीं नहीं अम्मा जी, हम खुद कर लेंगे। अच्छा बहुरिया जा। सारी ससुर मदकारी हो। ये कौन है? कहाँ पता? अरे चाची हम ही तो है बटेश्वर बहू। अरे ये बटेश्वर बहू है तो अंदर कौन है? ओ, चल देखते कौन है। आ जाओ, कौन है? बबुआ, क्या कर रही है तू नायन? कौन है तू? कौन है तू? छोड़ मेरे बच्चे को। ए, छोड़ बच्चे को, छोड़ दे। चलिए चलिए आप। वो चींटी जैसी थी, वो हमारे पोते को दूध पिला रही थी। अब ठीक है, अपनी अम्मा के गोद में खेल रहा है। दूध पिलाकर चींटी रानी ने उसको अपतांश बना लिया है। मार दूंगा उस चींटी रानी को, खा जाऊंगा मैं। ब्रह्म बाबा बोले हैं कि आज के बाद तुम्हारे आसपास भी कोई चीटा चीटी नहीं भटकेगा। सच्ची? हाँ। हमारी कसम खाओ। तुम्हारी कसम? अरे सेतु को पूछ लो, हमारे साथ ही आया था। अरे हाँ भाऊजी, हम गए थे भैया के साथ,
बाबा बोले हैं ये ताबीज बांध लीजिए, उसके बाद कोनो टेंशन की जरूरत नहीं। अम्मा कहाँ है? अम्मा किसी दूसरे पीर बाबा के पास गई होंगी ताबीज लेने। उनको बहुत फिक्र है। भैया छोड़ेंगे नहीं इसको, अब निकल गए भाभी के साथ यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे, काट के रख देंगे तुमको। हिल भी नहीं पा रहा हूं। सेतु तुम इसे संभालो, सेतु अंदर अकेला है। चुप हो जाओ मेरे लाल। अरे तो अजब गजब हुआ है। हाँ बताओ तो, बच्चा चींटी बनकर अपने माँ बाप को खा गया, ये कैसी माया है? ये गए जन्म के कर्मों का पाप है, पाप तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे बेटे और बहू के साथ ये हाल हो गया। सुनकर बहुत दुख हुआ। हे भगवान, हम कैसे जिएंगे? सेतु बेटा देर हो रही है, चलो चलो सब हाथ लगाओ। इतनी सारी चींटियां कहां से आई है? नहीं छोड़ूंगा। आखिर चाहती क्या ये चीटियां? क्या कसूर था मेरे भाई का, हो जाएगा क्या कसूर था? उनकी चिता भी नहीं जलने दी। सेतु बेटा 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 शांत हो जा बेटा, शांत बेटा।
जाऊंगा। देख बेटा मेरी बात सुन, अब तू ही मेरा एक ही बेटा है, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मेरा मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा सोच। जो अनहोनी होनी थी हो गई, अब भूखे रह के अपनी जान देगा क्या? चल बैठ, मैं भोजन लेकर आती हूं। बाबूजी कहाँ? काम पर गए हैं। दूसरी थाली काहे निकाली अम्मा? अपने लिए भोजन निकाल रही हूं। तुम खाना काहे नहीं खाई अब तक? या चीटी की चटनी कैसे खा रही? तुमको तो बिल्कुल पसंद नहीं। दिल तो करता है दुनिया की सारी चीटियां पीस कर खा जाऊं। बेटा बहू पोता सब निकल गई ये मनहूस चीटियाओं। तू भोजन कर ले। हाँ वो हमारे बेटा बहू पोता सबको निकल गए वो चीटी, और तुम ये चटनी खाते हो। लो देख तू इस चीटी रानी के वंश को कैसे खाता हूं मैं। यहां है वो टिड्डा। सेतु तुमने इसके साथ मिलकर मेरे भाई भाभी को मारा है। नहीं नहीं बेटा नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 बेटा मां छोड़ जा। नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। नहीं नहीं छोड़ दे मां। छोड़ दे बेटा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, इसने मेरे भाई भौजी को मारा है। नहीं बेटा नहीं छोड़ मां मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ये तुम्हारा बाप है। बाबा 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 टिड्डा कहाँ गया? आप काहे मार दिया भैया भाभी को? भाभी टीना ये सच नहीं है, हम मारेंगे अपने बेटे बहू और उसके वंश को। हम अपने वंश का खून कैसे कर सकते हैं बेटे? तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े बेटे। आज तक मैं अपना रूप बदल बदल कर अपने ही घर में छुप छुप कर तुम सबके हमारे वंश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे बेटे। ये चीटी और टिड्डे का दुश्मनी तब से है जब से ये दोनों जीव इस धरती पर आए। मौका मिलते ही कभी चीटी टिड्डों को दबोच खाती है और कभी टिड्डा चीटी को। टिड्डों का राजा हूं मैं और इसीलिए हमने सोचा कि किसी तरह चीटी रानी को मार दे ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसीलिए हम इंसान का रूप धर के चीटी रानी के पास जाते थे बेटे। हाथी को मन और चीटी को कर्ण देने वाला विधाता है। आओ चीटियों की रानी ये खाना कबूल करो। ओ भले इंसान, सवा महीने से आ रहे हो, लड्डू रख रहे हो, चाहते क्या हो? बचपन से सुना है सारी चीटियों की एक रानी होती है, तब से उस चीटी की रानी को देखने का बड़ा मन था। हे चीटी रानी सामने आओ प्रकट हो। तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। झूठ, अगर तुम चीटियों की रानी हो तो अपने असली रूप में आओ। वाह
आज हमारी आस पूरी हुई, पर तुम चीटी रानी इस बिल में कैसे रहती हो? मुझे अपना ठिकाना नहीं बताओगी? चलो। कहाँ? अंदर। अंदर अगर तुम्हारी चीटियों की सेना मुझे मारकर खा गई तो? नहीं, कोई नहीं खाएगा, वचन देती हूँ मैं। चलो। हो गया भरोसा कि मैं ही चीटियों की रानी हूँ? कसम से, एक तो आप इतनी सुंदर औरत हैं और साथ ही चीटियों की रानी भी। आपको देखकर मुझे आज प्यार करने को दिल कर रहा है, क्या करें? तो हो गया तो कर लो प्यार, मना नहीं करूंगी। वैसे भी मिलन का समय है, सोच रही हूँ इस बार किसी चीते की बजाय तुम्हें ये मौका दूँ। आ जाओ। टिड्डे का राजा? हाँ, टिड्डे का राजा, तुझे खा जाऊंगा, तेरा वंश खत्म कर दूंगा, हर जगह टिड्डे ही टिड्डे राज करेंगे। मारो, खत्म करो, खा जाओ इसे। रुक जा, तुम्हारी चीटी रानी ने मुझे वचन दिया है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। चीटियां, मुझे खा जाओ, इसके पहले कि ये टिड्डा मुझे खा जाए। उससे क्या होगा? अब तक तो मैं इकलौती रानी थी, पर अब ये सब चीटियां मुझे खाकर सब रानी बन जाएंगी। ये सारी चीटियां तुझे छू तो नहीं सकती, लेकिन मेरा श्राप है कि तेरे वंश का अंश बनकर ये सारी चीटियां तेरे वंश को खाएंगी। याद रखना, आओ आओ चीटी सेना, मुझे खा जाओ, मुझे खत्म कर दो खाकर, आओ खा लो। याद रखना, तेरे वंश को खत्म करेंगी ये चीटियां। श्राप से मैं इतना डर गया कि हम अपना असली चेहरा छुपा कर इंसानों के बीच जाके उनके बस्तियों में रहने लगा। यहाँ तक कि मैंने एक इंसान से शादी की, अपना टिड्डा रूप छुपा कर इधर उधर भटकता रहा ताकि वो चीटी रानी हमें कभी खोज ना पाए। पर मेरे वंश का अंश बनकर खा गई वो चीटी रानी मेरे वरुण को। पापा, मैं तो इंसान हूं। देखो मां, ये कैसे हो रहा है? पापा, ये मैं नहीं हूं। टिड्डो का राजा का बेटा है तो मेरा बेटा, टिड्डो के वंश का आखिरी राजकुमार। बेटे, अगर तुझे कुछ हो गया तो टिड्डो का वंश ही खत्म। बेटे, वंश ही खत्म। सेतु, तू ब्याह नहीं करना कभी नहीं, ना तू ब्याह करेगा, ना तेरी लुगाई के पेट में चिट्टी के वंश का अंश आएगा, ना हो अंश तुझे चिट्टी बन के खाएगा। नहीं बोली, अब अगर इसे बचाना है तो इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। इसकी दुल्हन ही इसे बचा सकती है। वो कैसे? एक महीना भी नहीं हुआ सेतु, तुम्हारे भैया भाभी को गए हुए। भला इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें शादी की? और एक बात पूछे आपसे,
पूछो। क्या आप ऐसे ही रहेंगे यहाँ घर जमाई बनकर? जुमा, हमारे घर में जो हादसा हुआ है उसके बाद हमारी अम्मा हमारे बाबूजी हमें घर की परछाई से भी दूर रखते हैं। हाँ, यहीं रहेंगे घर जमाई बनकर। और दूसरा जवाब, जल्दी हमें सिर्फ शादी की नहीं, हमारे वंश को आगे बढ़ाने की भी। थक पागल। हट नहीं, सट। जच्चा और होने वाला बच्चा सलामत रहें। बेटा, आपके बड़े भाई के साथ जो हादसा हुआ उसको सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटा मंदिर ध्यान से जाइयो, कहीं अनहोनी ना हो जाए। कौनो अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए अम्मा हमको घर के साये से भी दूर रखती है, इसीलिए जा रहे हैं मंदिर आशीर्वाद लेने। आप फिक्र मत कीजिए, हम ध्यान से जाएंगे। जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ। भैया रोक दो, यहां से हमें पैदल जाना होगा। ठीक है, आराम से, ये लीजिए। संभाल के। ये यहाँ जंगल में कौन सा मंदिर है? आगे है एक मंदिर, आओ ना। तो संभाल के, मुझे उस तरफ। कहाँ है मंदिर? अब और झूठ नहीं बोल सकता तुमसे चुप। यहाँ कोई मंदिर नहीं है। तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को चींटियों के हवाले करने आया हूं। जब इसकी दुल्हन पेट से होगी तो उन दोनों को हम चींटी रानी के सामने चढ़ा देंगे, कहेंगे खा ले मेरा अंश और माफ कर दे मेरा वंश। बस यही एक रास्ता है बोली। क्या कर रहे हो? छोड़ो सेतु, सेतु छोड़ो मुझे, नहीं कर सकता मैं, तुम्हें धोखा नहीं दे सकता मैं। जुमा, मैंने सोचा था मैं तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन नहीं होगा मुझसे। तुम जाओ घर जाओ। उस चींटियों की रानी को मेरी जान चाहिए ना। तुम जाओ यहाँ से जुमा, तुम जाओ घर जाओ। चींटियों की रानी, बाहर आओ, मैं आ जाओ। नहीं नहीं सेतु, खा जाओ मुझे और खत्म करो ये दुश्मनी। कहाँ हो तुम चींटियों की रानी? आओ मार दो उस चींटे को और खत्म कर दो ये दुश्मनी। कहाँ हो तुम? जुम्मा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? वो चीटी रानी तुम्हें मार देगी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से जुम्मा। तुम हो चीटियों की रानी? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ा और इंतजार कर लो, आएगा मेरा बेटा, जरूर आएगा। बाबा आ गया मेरा बेटा। देखा बोली? हाँ। मैंने कहा था ना मेरी तरकीब काम कर रही। अब मेरा वंश बच गया, छोड़ दिया उसने तुझे। सिर्फ मुझे ही नहीं, इसे भी छोड़ दिया। बच्चा बोली? हाँ? ये तो बच्चा भी पैदा हो गया। टिड्डे का वंश, बड़ों के
ना बेटे, दे मुझे, ना, दे मुझे। ये है टिट्टे की अगली पीढ़ी। बिल्कुल दादा के ऊपर गया। क्यों बोली? हाँ हाँ। बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ना? हाँ। हाँ? आप पे गया है। हाँ। हाँ? चीटियाँ। बेटे, सेतु, सेतु, ये क्या हो रहा है? चीटियों की रानी ने मुझे छोड़ दिया, तेरे पोते को भी छोड़ दिया। उसकी सिर्फ एक शर्त थी, इस टिड्डे की कुर्बानी जिसने उसे धोखा दिया था। मैंने आज ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसे खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं था माँ। वो टिड्डों के शहजादे, अपने बीवी और बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चलती है? शाम ढलने को आई है, घर साथ नहीं चलोगे? जा बेटा। चीटी और टिड्ढे का तो जन्मों जन्मों का साथ है। चलो